नशे में चाकू से प्राणघातक हमला, एक की मौत, दूसरा गंभीर। मृतक भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष का पुत्र, आरोपी को भीड़ के हवाले करने चक्का जाम। डोंगर गांव में नशे में मदमस्त एक युवक के चाकू से प्राणघातक हमले की घटना में एक युवक की जहां दर्दनाक मौत हो गई, वहीं हमलावर के निशाने में आए दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। घटना की असल वजह में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार डोंगरगांव अंबागढ़ चौकी रोड में स्थित कृषि उपज मंडी से सटे शनि मंदिर के पास बीती रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच सोमू धीमर और अजय धीमर पर सूरज सिंधी नामक युवक ने चाकू से कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में सोमू धीमर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी अजय धीमर के पेट पर भी आरोपी ने चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में अजय को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज उपचारार्थ भर्ती कराया गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मृतक सोमू भीमर की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। 4 दिन पहले ही वह एक पुत्र का पिता बना था। आरोपी सूरज सिंधी ने नशे में दोनों पर घटनास्थल में चाकू से कई वार किए। मृतक सोमू भीमर के गाल व पेट में धारदार हथियार से गहरे जख्म हो गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। तेज चाकू के हमले में अजय धीमर के पेट में गंभीर घाव हो गया। उसे किसी तरह अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की मां सरिता धीमर डोंगर गांव भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष है। बेटे की मौत की खबर से वह बेसुध हो गई है। वारदात से गुस्साए लोगों ने डोंगर गांव राजनांदगांव मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिया है। डोंगर गांव के मुख्य चौराहे पर सैकड़ों की भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग कर रही है। चक्का जाम के चलते दूसरी सेवाएं बाधित हुई है। यातायात को सामान्य करने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए मना रही है। भाजपा नेताओं ने भी आरोपी के खिलाफ जुटे भीड़ का साथ देकर चक्का जाम शुरू कर दिया है। इधर हालात खराब देखकर राजनांदगांव से अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है। मुख्य मार्ग में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि आरोपी को सामने लाने के लिए भीड़ मांग कर रही है। पुलिस अफसरों ने कानून का हवाला देकर उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थता जाहिर की। इसके बावजूद भीड़ मौके पर चक्का जाम करने पर आमादा है। घटनास्थल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी चक्का जाम कर रहे भीड़ को मनाने में जुटे रहे।